नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपना नामांकन भरा, लेकिन चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वर्तमान सांसद आलोक संजर ने भी अपना नामांकन डमी कैंडिडेट की तरह भरा है। और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को डर बना हुआ है कि अगर साध्वी के नामांकन पर कोई कार्यवाही होती है तो आलोक संजर को उतारा जा सकता है। दरअसल वर्तमान सांसद आलोक संजर का टिकट कटने के उनके समर्थक काफ़ी नाराज हैं। उनके समर्थकों ने हंगामा भी किया था, वह साध्वी के नामांकन भरने से खफा बताए जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने बयानबाजी की है उससे पार्टी के अंदर खलबली मची है। उसके साथ ही स्थानीय नेताओं में भी नाराजगी है। इस तरह की मांग भी उठी है कि बीजेपी भोपाल से प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन साध्वी के नामांकन के साथ इन अटकलों पर विराम लगता दिख रहा था। लेकिन संजर के नामांकन भरे जाने से एक बार फिर इस बात को हवा दे दी गई है कि पार्टी संजर को उम्मीदवार बना सकती है। पार्टी को इस बात की आशंका है कि हाल ही में साध्वी से जुड़े विवाद और उन पर हुई FIR के कारण उनका अगर नामांकन रद्द किया जाता है तो बीजेपी के पास दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए एक उम्मीदवार होगा। यह नामांकन डमी कैंडिडेट के रूप में भरा गया है। वैसे तो साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ेंगी, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो ऐसी कंडीशन में आलोक संजर जी चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक मेरा अनुमान है, जिस तरीके से साध्वी के बयानबाजी आ रही है, वह अभी तक अपना संकल्प पत्र तय नहीं कर पाई है। वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है वह अभी तक तय नहीं कर पाई है। केवल अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए चुनाव लड़ने की बात अभी तक सामने आई है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।